फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं कुसाद की सेकेंड टॉप अप कोटिंग के लिए, सिरेमिक कोटिंग बेसिकली। तो ये 6 महीने के बाद होता है। हमने मेरी पहली जो कोटिंग हुई थी सिरेमिक कोटिंग, वो मार्च में हुई थी, 7 मार्च के आसपास। तो अब 6 महीने हो गए हैं और डेट आ गया था सितंबर में ही। तो आज हम जा रहे हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है। इसके साथ साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री इंटीरियर क्लीनिंग, वैक्यूम क्लीनिंग, ये सब भी करते हैं, तो इट्स गुड। लास्ट टाइम तो अच्छा किया था, तो अभी आज भी अच्छा ही करेंगे। बट और सेकेंड टॉप अप में और क्या क्या करते हैं वो विल अंडरस्टैंड वंस वी रीच देयर। ऑल्सो वुड लाइक टू डिस्कस कि सिरेमिक कोटिंग कितना इंपॉर्टेंट है और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्किप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज थिंग्स। लेट्स गो फ्रेंड्स। ये सचिन है, यही हमारे कुसाद का सिरेमिक कोटिंग करने वाले हैं। तो आइए इनसे समझते हैं कि सेकंड कोट में, टॉप अप कोट में क्या क्या परफॉर्म करेंगे। सचिन थोड़ा बताइए। ओके हाय। अभी अपन ये कुसाद सिरेमिक किया है, अब ये टॉप कोट के लिए 6 महीने के लिए बाद आए हैं। तो टॉप कोट के में हम लोग क्या करेंगे कि जब फर्स्ट वॉश होएगा, वॉश होने के बाद जितना भी एजेस है वो सब क्लीन होंगे। एजेस के बाद जितना भी माइनर चीज़ है वो हम लोग रिमूव करेंगे, और उसके बाद जो अपना जो टॉप कोट का जो लिक्विड है वो हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। ध्यान उसको एक 5 या 6 घंटा उसको अपने को रखना पड़ता है गाड़ी को। ओके। तो उसके बाद फिर पॉलिश भी करेंगे या नहीं? नॉर्मल प्रोसीजर है, फाइनल प्रोसीजर। इंटीरियर में कुछ? इंटीरियर में ड्राई वैक्यूम करेंगे, जो भी छोटा मोटा स्पॉट है वो सब निकाल देंगे। ओके। तो फ्रेंड्स, गाड़ी आ गई है फ्रॉम सिरेमिक कोटिंग टॉप अप करके। आप देख सकते हैं काफ़ी शाइनिंग है। तो ये टॉप अप जो है हर सिरेमिक कोटिंग के पैकेज में इंक्लूडेड होता है। इसमें हर 6 महीने के बाद एक टॉप अप देती ही हैं कंपनी, सो दैट उसका ये बना रहे साइन टेक्सचर से बना रहे। बट पूरा इसका जो इम्पैक्ट है ये 12 से 15 महीने का ही होता है। मतलब एक कोटिंग का टोटल इम्पैक्ट 12 टू 15 मंथ्स का ही होता है टॉप अप देने के बाद भी। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि नाउ आई विल टॉक अबाउट माय व्यूज़ ऑन सिरेमिक कोटिंग, इसका क्या इतना इम्पोर्टेंस है, इज़ इट वर्थ डूइंग सिरेमिक कोटिंग इन न्यू कार और ओल्ड कार, वट एवर। तो जैसा कि नेम सजेस्ट कि दिस इज़ अ कोटिंग ऑन टॉप ऑफ योर पेंट, ओरिजिनल पेंट। तो ये करता गया है, आप लोग जानते ही होंगे, बट फिर आई एम जस्ट रिपीटिंग। पेंट को, पेंट का टेक्सचर, साइन बरकरार रखेगा, मेंटेन करेगा। डस्ट और वाटर स्टेन्स या फिर बर्ड ड्रॉपिंग्स, ये सब क्लीन करना इजी हो जाता है व्हेन यू हैव दिस कोटिंग। मतलब मेंटेनेंस फ्रॉम दीज 3 थिंग्स बिकम्स नो इजी, एंड वॉचमैन करे चाहे कोई भी करे वो साफ आसानी से हो जाता है। तो आपका साइन जो है पेंट का मेंटेन रहता है। बट व्हाट इट डज नॉट डू इज़ सेविंग्स फ्रॉम एनी स्क्रैच, डीप स्क्रैच, कट, फट, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से वो नहीं बचाएगा कि सिर्फ डस्ट वस्ट से बचा सकता है। तो जैसा कि आपने देखा था मेरी गाड़ी में जो डेंट हुआ या, तो उसमें कोटिंग कुछ नहीं कर सकता, उसमें कोटिंग आपको सेव नहीं कर पाएगा। तो इट ऑल अगेन डिपेंड्स ऑन आपकी प्रायोरिटीज एंड आपकी चॉइस पे कि आप ये एक्सपेंस ऑफ 25,000 to 30,000 जो भी इसका है वो करना चाहेंगे, क्योंकि हर 15 महीने पे ये रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि इसका जो ये लाइफ है वो 15 महीने का ही है। अगर इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू मेंटेन योर पेंट एंड साइन, देन आपको हर 15 महीने पे ये खर्च करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा व्यू है, मैंने ये सोचा है कि जैसे मेरा 12 से 15 महीने का फिनिश हो जाएगा, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल वेट फॉर 3 to 6 months एंड आई विल चेक कि उस समय उसका मेंटेनेंस कैसा होता है, एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड। अदरवाइज अभी तक का तो ठीक है, मतलब मेंटेन क्लीनिंग ज़्यादा इजी है। दिखता है कि यस स्टेन्स बच रहे हैं, या वाटर ड्रॉपिंग जल्दी क्लीन हो जाता है,
या डस्ट भी जल्दी क्लीन हो जाता है, एक एक वाटर मतलब एक बार साफ करने में क्लीन हो जाता है, जैसा वॉचमैन बताता है मुझे। तो मेरा ये है कि आई विल जस्ट वेट फॉर 3 to 6 months एंड देन आई विल डिसाइड कि नेक्स्ट कोटिंग करनी या नहीं करनी है। तो आपको आपको मैं दिखा देता हूँ कि टॉप अप के बाद ऐसे कैसी लग रही है। ऐसे तो गाड़ी छः महीने ही पुरानी है, ज़्यादा ये नहीं है, बट फिर भी एक जस्ट नज़र मार लेते हैं कि कैसी लग रही है। तो चारों तरफ से काफ़ी शाइनिंग है अभी, कोई और आपको सेकेंड कोटिंग में क्या क्या किया है 3M इसने, वो सचिन ने अपने वीडियो के थ्रू बताया ही है, तो आप वो देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग राइट नाउ। सो एट लास्ट मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि यह सिरामिक करना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी महंगी गाड़ी ली है तो उसका उसको मेंटेन करना, उसका साइन, उसका पेंट क्वालिटी में साइन और टेक्सचर बना रहे, आई थिंक वो सभी को अच्छा लगेगा। तो करना चाहिए, क्योंकि किसी आपका डस्ट है, स्टेन है, या फिर वाटर बर्ड ड्रॉपिंग्स है, सबसे इजीली अगर क्लीन हो जाता है तो इट्स गुड। बट यही है कि या 15 महीने में वो उतना खर्च आएगा, सो दैट इज़ फाइन, अगेन योर चॉइस। मैं करवाने वाला हूँ मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर, बट वही है कि देखेंगे। बाकी तो आप अपना आप कराएंगे नहीं कराएंगे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक द वीडियोज़। सी यू इन माई नेक्स्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।